तो भाई लोग मैंने अपनी नीट प्रिपरेशन की जर्नी में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जिनके फिजिक्स में अच्छा स्कोर आ रहा है ठीक है जिनके बायोलॉजी में भी वो अच्छा स्कोर कर रहे हैं अपने मॉक टेस्ट में लेकिन वो केमिस्ट्री की वजह से रह गए ठीक है तो देखो यार केमिस्ट्री जो है ना ये नहीं है कि अगर तुम केमिस्ट्री नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा फिजिक्स और बायोलॉजी से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा नीट में ऐसा नहीं है तीनों सब्जेक्ट को अगर मिला के चलोगे तब तुम्हें एक अच्छा डिसेंट कॉलेज मिलेगा ठीक है केमिस्ट्री अगर तुमने छोड़ दिया तो तुम एक अच्छा कॉलेज की तुम उम्मीद नहीं कर सकते हो ठीक है तो इस वीडियो हम यही बात करने वाले हैं कि जो एक बोला जाता है ना डिसेंट स्कोर होता है केमिस्ट्री में जो वन प्लस बोलते हैं ठीक है तो उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं ओके सो हेलो एवरीवन दिस इज मी निखिल उपाध्याय एंड वेलकम टू द अन तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि केमिस्ट्री में जो तुम्हारे पास में फिजिकल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है तो उसको हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं अच्छे से तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री की तो फिजिकल केमिस्ट्री ज्यादातर लोग बोलते हैं कि भाई वो फिजिक्स के सेम ही होता है लेकिन देखो यार अगर तुमने फॉर्मूलेज याद करे फिजिकल केमिस्ट्री में अकेले फॉर्मूले याद करे तो उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि अगर तुम फॉर्मूले याद करोगे फिर क्वेश्चन बनाओगे तो तुम क्वेश्चन में अटक जाओगे क्योंकि फॉर्मूले के साथ साथ में तुम्हें यह भी याद करना पड़ेगा कि उसमें उस फॉर्मूले की यूनिट क्या है और उस फॉर्मूले में उस टर्म का मतलब क्या है ठीक है हमें टर्म वगैरह कुछ पता नहीं होता है कि भाई मान लो कि पी वी एस है अब इसमें कौन सा तुम प्रेशर ले रहे हो एक्सटर्नल प्रेशर ले रहे हो या फिर इंटरनल प्रेशर ले रहे हो है ना तो ये पता नहीं है तो तुम क्वेश्चन आराम से जो है तुम गलत कर दोगे ठीक है तो फिजिकल केमिस्ट्री में मेन चीज यही है कि फॉर्मूले याद करो ठीक है फॉर्मूले याद करना गलत नहीं है ठीक है थोड़े कॉन्सेप्ट भी अपने साथ उस फॉर्मूले के साथ रख लो और साथ साथ में यूनिट और उसमें फॉर्मूले में उस टर्म का क्या मतलब है वो तुम्हें अच्छे से क्लियर होना चाहिए ओके सेकंड चीज़ हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यार मेन चीज़ क्या है सबसे जो बेसिक पार्ट है ना वो है तुम्हारा आइसोमेरिज्म वाला पार्ट हो गया आइसोमेरिज्म भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी तुम्हारी जीओसी इंपॉर्टेंट है ठीक है जीओसी वन और जीओसी टू जीओसी वन में बहुत सारे बच्चे जैसे पूछते हैं कि भाई भैया यार ना जियोसी वन और जी ओ का मतलब क्या है तो देखो यार जियोसी वन जी सी टू में जियो सी में तुम्हारा आता है मेनली जो तुम्हारा आयिस जो है इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह जो होते हैं हाइपर कॉन्जुकेशन वगैरह ये सारे इसमें आ जाता है और जी सी में तुम्हारा रिएक्शन मैग्री वाला पोर्शन आता है ठीक है तो अगर तुमने ये दोनों जी ओ सी वन और जीओ सी तुम जियो सी और जियो सी टू तुमने अगर अच्छे से स्ट्रॉग कर ली अपने ठीक है तो तुम्हें आगे जो है ना हाइड्रोकार्बन से लेकर नाइट्रोजनस कंपाउंड तक तुम्हें बहुत ईजी पड़ेगा ठीक है अगर तुम एन भी कवर करोगे इसमें तो तुम्हें एन भी बहुत अच्छे समझ आएगा लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें जियो सी और जी सी टू बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए साथ साथ में एक शर्त और है कि भाई तुमने अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस की होगी इसके लिए ऑर्गेनिक के लिए बेसिकली जीओसी वन और जियोसी टू के लिए ठीक है क्वेश्चन प्रैक्टिस देखो यार मैं अगर बात करूँ फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तो वही है जो फिजिक्स के लिए रहता है तो अगर मैं रेशियो बात करूँ तो एटी रेशी ट्वेंटी मतलब कि एट्टी परसेंट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेगी और ट्वेंटी परसेंट में अपने नोट्स को रिवाइज करना पड़ेगा फॉर्मुले को रिवाइज़ करना पड़ेगा बार बार ये है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ऑर्गेनिक के लिए फिफ्टी रेशियो फिफ्टी मतलब कि तुम्हें फिफ्टी परसेंट में कॉन्सेप्ट याद करने पड़ेंगे तो मैं बार बार रिवाइज़ करना पड़ेगा अपने नोट्स को और फिफ्टी परसेंट में अपने जो न्यूमेरिकल्स हैं ठीक है क्वेश्चन हैं उनको बार बार सॉल्व करना पड़ेगा ठीक है लास्ट चीज़ हम बात करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो सेम सब लोग जानते हैं बायोलॉजी के सेम होता है ठीक है तो मैं इसमें जो रेशियो चलता है ना वो रेसा रेशियो चलता है नाइन्टी रेशियो ट्वेंटी मतलब कि नाइन्टी परसेंट में बार बार एन टी कवर करनी पड़ेगी अपने टीचर के नोट्स पढ़ने पड़ेंगे और टेन परसेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब कि अगर तुम एक से दो बार अगर क्वेश्चन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो ना चैप्टर कंप्लीट होने के बाद सो आई गेस दैट इज़ मोर देन सफिशियंट ठीक है उसके बाद मैं कुछ नहीं बार बार तुम अपने नोट्स को रिवाइज करो वो इनफ है लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर ना एक और बात बताने जा रहा हूँ कि ये सारा जो है ना पूरा केमिस्ट्री वो नाइन्टी डेज़ में जो है मैं कवर करने वाला हूँ अन एकेडमी पर ठीक है पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट करेंगे अपनी ट्वेल्थ की केमिस्ट्री के साथ में ठीक है और साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी तुम्हारा टेस्ट भी लिए जाएंगे ठीक है तो ये सारा कुछ जो है मैं स्टार्ट करने वाला हूँ और कल जो है कल या परसों मैं मैं बता दूंगा शेड्यूल रेडी कर दूंगा ठीक है कि हमारी क्लासेस जो है वो क्या कैसे रहने वाली हैं ठीक है ठीके? इसकी सारी अपडेट मैं जल्दी तुम लोगों को दे दूंगा ओके तो बी इन टच एंड हम लोग कवर करते हैं बहुत अच्छे से और जिसकी भी भाई लोग की केमिस्ट्री अगर वीक है तो एक बार वो क्लास अटेंड करके देखें मैं इतना श्योर हूँ कि यार तुमको यार बहुत मज़ा आएगा ठीक है जो मुझे जानते हैं जो मुझसे पढ़े हुए हैं पहले से ठीक है तो वो जानते हैं कि भाई कॉन्सेप्ट जो है ना वो तुम्हारे इतने अच्छे करा दूंगा ठीक है एक्चुअली ये वन शॉट वीडियो नहीं होने वाली ठीक है बहुत सारे बच्चे इसमें रहने होंगे कि भाई वन शॉट जो वीडियो है वो देख लेंगे लेकिन देखो यार अभी अभी ना तुम्हारे पास में टाइम है ठीक है तो वन शॉट के चक्कर में भी मत भागो अभी तुम्हारे पास में चार महीने के अराउंड बचे हुए हैं तो अच्छे से कवर करो अगर तुम वन शॉट के चक्कर में भागोगे तो तुम्हें देखो यार बहुत सारी चीज़ें जो है ना तुम छोड़ दोगे ठीक है तो अगर तुम एक अच्छा कॉलेज लेना चाहते हो ना तो अभी सारी चीज़ें पढ़ो तुम्हारे तो पास टाइम है ठीक है रिविजन के लिए भी टाइम है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी टाइम है ठीक है तो वन शॉट मैं अब नहीं रखूँगा सारा कुछ जो है वो कवर करेंगे और नाइन्टी डेज़ के अंदर हो जाएगा ठीक है एक दो दिन ऊपर हो सकता है लेकिन हम ट्राई करेंगे कि नाइन्टी डेज़ में अपना पूरा जो है एलेवंथ और ट्वेल्थ की केमिस्ट्री हो जाए ओके चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर पढ़ते रहो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच लव यू ऑल बाय